नमस्कार, इंसाफ की आवाज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर। आज झारखंड आंदोलन के अग्रणी नायक रहे स्वर्गीय निर्मल महतो की 70वीं जयंती है। पूरा झारखंड अपने नायक की जयंती पर उन्हें याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के सबसे विश्वास पात्रों में से एक निर्मल महतो को प्यार से लोग निर्मल दा के नाम से पुकारते थे। निर्मल दा गरीबों मजलूमों के हक की लड़ाई लड़ने से कभी पीछे नहीं हटे। यही कारण है कि 8 अगस्त 1987 को महज 36 साल की उम्र में उन्हें जमशेदपुर के चमरिया गेस्ट हाउस के समीप गोली मार दी गई थी, जिसके बाद झारखंड जल उठा था और 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य का गठन हो सका था। इधर आज झारखंड के सभी राजनीतिक और सामाजिक संगठनों द्वारा उनकी जयंती मनाई जा रही है। इधर गम्हरिया स्थित दुर्गा पूजा मैदान में निर्मल दा की प्रतिमा पर झारखंड मुक्ति मोर्चा नेताओं ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके बताए आदर्शों पर चलने की प्रेरणा ली। साथ ही निर्मल दा के सपनों का झारखंड बनाने का संकल्प लिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेताओं ने राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री पर निर्मल दा के झारखंड बनाने की दिशा में अग्रसर बताया। हमारे 20 शहीद निर्मल दा के 70वां जन्म दिवस है और 20 शहीद निर्मल दा ने आज पूरा झारखंड को जगाने का काम किया। आज उनका बलिदान से हम सबों को झारखंड अलग राज मिला। आज झारखंड अलग राज मिला है। आज पहली बार हेमंत सोरेन जी ने अस्थायी सरकार देने का काम किया है और झारखंडियों के लिए हर मामले में, चाहे आपका किसानों का बिल माफ करने के लिए हो, चाहे इतना बड़ा महामारी में इतना मजदूरों को बाहर में जो भूखे प्यासे मर रहे थे उसको जो मोदी जी बोलते थे कि चप्पल पहनने वाला को हम लोग हेलीकॉप्टर में लाएंगे, प्लेन में लाएंगे, वो काम सच्ची में आज हमारे युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किए हैं और करके दिखाए हैं दुनिया को। आज झारखंडियों के लिए, चाहे वो आज आप देख रहे हैं हमारे माननीय मंत्री चंपाई सोरेन जी को SP SC जमीन के मामले में पीठासीन पदाधिकारी बनाए हैं। आज हमारे सब आदिवासी मूलवासी के जमीन जायदाद को जो पूंजीपति लोग लेके रखा है, बड़ा बड़ा कंपनी लोग लेके रखा है, इनको हम लोग मुक्त कराने का भी काम करेंगे माननीय मंत्री चंपाई सोरेन जी के नेतृत्व में। और आज झारखंड आगे बढ़ रहा है, झारखंडियों के लिए, हित के लिए आगे बढ़ रहा है। आज झारखंडियों के काम को आगे बढ़ाने का काम हमारे हेमंत सोरेन जी ने कर रहे हैं आज, और अच्छा से संवारेंगे। आज तो 1 साल हुआ है, ये तो टेलर है जो BJP वाला बोल रहा है कुछ नहीं किया है। आज ये तो टेलर है, टेलर में सब पूरा विपक्षी पार्टी आज हड़बड़ा गया है, बौखलाहट हो गया है। आज 4 साल बाकी है, 4 साल होते होते झारखंडियों के लिए सब बेरोजगारों को नौकरी भी मिलेगा। आज घोषणा करेंगे 1 साल पूरा होने से। आज सब काम झारखंडियों के हित के लिए हो रहा है, इसमें हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और महागठबंधन के सभी नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जो सपना निर्मल दा देखे थे वो सपना को धीरे धीरे साकार करने जा रही है। दिन भर की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।